ये एक लॉयर का रोल है जिसका जो कानून में तो जिसको अखंड विश्वास है लेकिन उसको सिस्टम में विश्वास नहीं है, और बहुत ही पढ़ा लिखा जहीन ईमानदार किस्म का व्यक्ति है। और फाइनली एक दिन ये डिसाइड करता है कि मैं लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के मैं अदालत के सामने पाव भाजी बनाने का काम ज़्यादा मैं पसंद करूँगा बनस्पत लोगों को अदालत के अंदर बेवकूफ़ बनाने के। तो वो अदालत में बेवकूफ़ नहीं बनाता, अदालत के बाहर वो पाव भाजी बनाने का चुनाव करता है। अगर आप देखेंगे तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको बहुत सारे वैरायटी ऑफ रोल करने के मौके मिले हैं, चाहे वो नकारात्मक किरदार हो, चाहे वो सकारात्मक किरदार हो, और चाहे फिर वो यूनक का कैरेक्टर हो शबनम मौसी जैसी फिल्म में। तो बहुत सारे किस्म किस्म के रोल मुझे मिले हैं और यही मेरी रुचि भी रही है और यही मेरी आवश्यकता भी रही है कि कोशिश करता हूँ कि हर फिल्म में एक नए किस्म का कलेवर हो और उस कलेवर को करने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि ये कम्प्लीटली अलग रोल है। सीतापति शुक्ला जो है और एक ऐसा व्यक्ति है कि जो मजबूरी के कारण पाव भाजी नहीं बना रहा, जो अपने चुनाव के कारण पाव भाजी बना रहा है, वो चाहता तो वो कुछ भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ब्रिलियंट और बड़ा लेखा व्यक्ति है और एडवोकेट वकील है। तो ये अपने आप में एक ऐसे संभले हुए व्यक्ति का किरदार है और एक ऐसे बागी व्यक्ति का किरदार है जो बहुत होश हवास में बहुत पढ़े लिखे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीने का आदी है। मूवी के बारे में आपका कहते हैं कि एक्शन है, ड्रामा है? देखिए, ये पूरी की पूरी हमारे जैसा कि फिल्म का नाम है चिकन करी लॉ, तो एक विचार उत्तेजक फिल्म है जिसमें आपको विचार भी मिलेंगे, जिसमें आपको इमोशन भी मिलेंगे, जिसमें आपको सस्पेंस और ड्रामा भी मिलेगा। ये तो जब बन जाएगी तब हम फिर आपके माध्यम से बुलाएंगे लोगों को, अभी तो हम निर्माणाधीन हैं। थैंक यू।